हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह का 7 बज रहा है और अभी से मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आज क्या क्या होगा पूरा दिन वो आपके साथ आज हम शेयर करेंगे। तो चलो बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। सो गाइस, अभी मैं आ चुकी हूँ हमारे आंगन में और अभी सुबह सुबह से ना बदली है। तो देखो कितना मस्त मौसम है, ठंडा ठंडा हवा भी चल रहा है हल्का हल्का सा। तो चलो चलते हैं, अब खाना बनाएंगे। तो आज मुझे थोड़ा सा जल्दी बनाना है खाना, तो मैं यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी मुनगा आलू और बड़ी की सब्ज़ी। तो अभी यहाँ पर मैं मुनगा को ऊपर से हल्का हल्का सा छील रही हूँ। उसके बाद देखो इसका छिलका निकाल कर इसको अच्छे से कट कर देंगे। तो हमारा आज का सब्जी है मुनगा आलू बड़ी। तो आपको पूरा एकदम देसी स्टाइल छत्तीसगढ़ी स्टाइल में बना कर और कर दो, एक बार और कर दो। अच्छा सीधा रख के करो ना। और आ गया। आ गया। तो हमने यहाँ पे हमारा सारी सब्जी कट कर लिया है। अब चलो चलते हैं किचन में, बनाते हैं सब्जी, जल्दी जल्दी से बना लेते हैं सब्जी क्योंकि इनको कहीं जाना है। तो और यहाँ पे आ गई हूँ और कढ़ाई हो गया है गरम और ये रहा हमारा बड़ी और ये रहा मसाला। तो अभी मैं इसको सिलबट्टे में पीस लूँगी। तो मैंने पहले तेल में अच्छे से मुनगा को फ्राई कर लूँगी हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक, क्योंकि बड़ी आलू मुनगा सब्जी में ना इसी तरह से फ्राई करोगे तभी टेस्ट इसका अच्छा आता है। उसके बाद हम हल्का सा उसी तेल में बड़ी को भी फ्राई कर लेंगे गोल्डन होने तक। ये देखो हमारा बड़ी भी फ्राई हो गया है। अब इसमें हम हल्का सा और तेल डालेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज को अच्छे से चॉपर में चॉप कर दिया है। इसके बाद भी हल्का सा इसको भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें आलू डाल देंगे। तो ज़्यादा हमें नहीं भूनना है प्याज को क्योंकि ये आलू के संग में ऑलरेडी भून जाएगा। तो और अभी हमारा सब्जी भून रहा है और अभी आंगन में पानी गिरना भी स्टार्ट हो गया। मैं आपको दिखाई थी ना कि बदली है करके और यहाँ पे हल्का हल्का पानी गिरना स्टार्ट हो गया था। तो मैंने कपड़ा निकालने चली गई अपना। और उसके बाद ये देखो जो मसाला मैं सिलबट्टे में पीस कर रखी थी उसी में मैं हल्दी धनिया नमक सब कुछ डाल दी हूँ और जीरा वगैरह तो सब तो पीसी ही थी। तो यहाँ पे देखो सब कुछ डाल दी हूँ। अब यहाँ पे ऐसे अच्छे से चला लेंगे, हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दी हूँ टमाटर। अब टमाटर को भी हल अच्छे से भून लेंगे। जब हमारा टमाटर भी अच्छे से भुन जाएगा तब हम इसमें मुनगा डाल देंगे और बड़ी डाल देंगे। अब इसको हल्का सा चला लेंगे फिर इसमें हम पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे देखो हमारा सब्जी रेडी है। हाँ चलो बाय, बोल क्या ना। चलो अंश, चलो दरवाजा बंद कर देते हैं इधर का। चलो चलो चलो, क्या करोगे? सो गाइस, अभी दोपहर के 11 बज चुके हैं और इस टाइम पे अंश सो चुका है सक्षम ना, अपने दादा के पास घूमने चला गया है। और अब भी मैं घर में अकेली हूँ और मैं जा रही हूँ अभी खाना खाने के लिए। और सुबह इतना जल्दी जल्दी बनाई थी सब्जी कि आपको दिखा ही नहीं पाई थी और फ्री हो गई थी, तब मैं यहाँ पर अपना जो कल का मेरा ब्लाउज बचा था ना सिलने के लिए उसको मैं यहाँ पर सिल रही थी। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग ज़रूर देख लेना। मेरा ब्लाउज कलेक्शन पार्ट 2 वीडियो आ चुका है। देखो यहाँ पर अंश सोया है अपना। तो चलो चलते हैं अब किचन में, खा लेते हैं खाना, निकालते हैं खाना और दिखाते हैं आपको हमारा सब्जी। तो बाकी सब लोग तो खा लिए हैं, मैं बची हूँ तो थोड़ा सा बस बचा होगा सब्जी। तो चलो आपको उसी को मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। जी जब बनाई थी ना तो आपको थोड़ा सा दिखाई थी, तो फाइनल बनने के बाद दिखाती हूँ आपको सब्जी और निकाल लेती हूँ अपने लिए खाना। अभी आ चुके हैं किचन में और अभी आपको दिखाती हूँ मेरी सब्जी का फाइनल। अच्छी से दिख रहा है मेरा सब्जी और अभी मैं निकाल रहा हूँ। तो ये देखो हमारा खाना निकल चुका है, ये रहा हमारा खाना। और
उस दिन मैं जो आम बचा था ना उसका अचार डाल दी थी, तो उसका अचार है और पानी भी साथ में रखी है। और अभी शाम का टाइम हो चुका है और वो आ गए थे कोटा से, तो मैंने सांभर मसाला मंगाया था तो वो लेकर आए हैं। तो अभी सबका मन है इडली सांभर खाने का, तो चलो चलते हैं। क्या हो गया? जब भैया के पास एरी एक कैमरा पानी है। हाँ पानी है, पानी है। तो चलो चलते हैं किचन में बनाने के लिए प्रिपरेशन, तैयारी करने के लिए। तो मैं आ चुकी हूँ हमारे किचन में और अब बनाने जा रहे हैं हम इडली सांभर। तो अभी तुरंत बनाना है तो मैं यहाँ पे सुई आटे से बना रही हूँ। दाल और चावल वगैरह तो नहीं भिगाई हूँ कुछ भी। तो यहाँ मैं मेजरमेंट के लिए कप ले ली हूँ जिससे कि ना अंदाज सही रहता है। तो यहाँ पे मैंने 2 कप सुई आटा लिया है, तो 1 कप मैं यहाँ पे दही लूँगी। तो ये देखो दिखा रही थी तो गिर भी गया मेरा दही, तो यहाँ पर मैंने 1 कप दही ले लिया है। अब इसे अच्छे से फेंट लेंगे, मतलब मिला लेंगे अच्छे से। अब मिलाने के बाद फिर आपको थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी डालना है, जितना इसमें पानी लगे उसके हिसाब से, एक साथ नहीं डालना है। तो मैं उसी कप में डाल लूँगी पानी, फिर हल्का हल्का सा ना इसमें पानी डालूँगी। तो यहाँ पे उसमें दही था थोड़ा सा, तो मैंने उसमें ही पानी डाल दिया और इसको हल्का हल्का सा मिला लेंगे। आपको डायरेक्ट बैटर टाइप का नहीं बनाना है, हल्का सा बस इतना पानी डालना है कि आपका सुई उसमें फूल जाए अच्छे से। उसके बाद हम यहाँ पर ढक कर रख देंगे। तो जब तक हमारा इडली का बैटर फूल रहा है तब तक हम सांभर बनाने की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी ले लिया है, कद्दू लिया है, लौकी लिया है और मुनगा लिया है। और यहाँ पे देखो हमारा तेल गर्म हो चुका था, तब मैंने इसमें सूखी मिर्च और सरसों मेथी और करी पत्ता डाल दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज भी डाल दी हूँ। अभी इसे हल्का सा चला लेंगे, हल्का सा बस इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद फिर इसमें हम मुनगा डाल देंगे। तो आपके पास जो भी सब्ज़ी हो या फिर जो सब्ज़ी आपको पसंद हो वही सब्ज़ी इसमें आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैंने सारी सब्ज़ियाँ डाल दिया है, अभी इसे अच्छे से चला लेंगे। जब तक ये इसको थोड़ा सा ढक देंगे। अब यहाँ पे देखो हमारा बैटर फूल गया था अच्छे से, तब हम इसमें और पानी डालकर इसको हल्का सा पतला कर लेंगे। इसके बाद इसमें नमक डाल देंगे और इनो डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं इनो ली हूँ जो कि यहाँ पे मैंने बैटर में डाल दिया, हल्का सा ऊपर से पानी डाल दिया है। तो ये देखो पानी यहाँ पर मैं डाल दी हूँ। अब इसको हमारा सब्जी भून रहा है, तब तक हमने यहाँ पर ये देखो यहाँ पर इडली मोड में बैटर भी डाल रहे हैं। और मैं पहले से ही जो इडली मोल्ड है ना उसको मैं पानी डालकर गरम करने के लिए रख दी हूँ। यहाँ पर हमारा बैटर रेडी है, तो मैं यहाँ पे इसमें अंदर डाल दूँगी पकने के लिए। तो साथ साथ दोनों ही बना रही हूँ क्योंकि बच्चे, मतलब रात हो गया है ना तो बच्चे परेशान कर रहे थे, तो सोचा जल्दी जल्दी बना लेते हैं। और यहाँ पर देखो हमारा सब्जी भून गया था हल्का सा, तब हम इसमें नमक वगैरह, मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर वगैरह जो भी सब्जी में मसाला डालते हैं ना वही मसाला डाल देंगे इसमें। उसके बाद हल्दी अगर डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो लास्ट में मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच सांभर मसाला ले रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सांभर बनाने के लिए। और यहाँ पे देखो इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे पानी डाल दूँगी, पानी नहीं, जो दाल उबाल कर रखी थी ना चने की दाल, तो मैंने पहले से उबाल कर रखी थी वो डाल दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे इमली डाल दी हूँ, तो जितना थिक या फिर पतला ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से आप इसमें और भी पानी डाल सकते हो। और यहाँ पर हमारा इडली बनकर रेडी है, यहाँ पे हमारा सांभर भी बन चुका है। तो ये सांभर ना थोड़ा सा ठीक हो चुका था क्योंकि सच अंश परेशान कर रहा था ना, तो मैं उसको पकड़ी थी तो उतने में पूरा ये ठीक हो गया। और यहाँ पे देखो हमारा इडली बन गया है, अब हम इसमें सांभर डाल देंगे। तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वीडियो यहीं तक है, मैं वीडियो आगे नहीं कंटिन्यू कर नहीं पाई, अच्छे से आपको रेसिपी भी नहीं दे पाई क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे इसलिए। और मैंने यहाँ पे हमारा निकाल लिया है इडली, और ना मैं बाद में फिर इसमें गर्म पानी डालकर थोड़ा सा इसे पतला कर लूँ क्योंकि इतना गाढ़ा अच्छा नहीं लगता, हल्का सा पतला अच्छा लगता है। तो ये देखो कितना टेस्टी दिख रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी।